नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण बोस। उदयपुर के बोस म्यूजिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा तबला लेसन, सितार लेसन, ये सब का करीब 40-42 एपिसोड हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों ने डिमांड रखा है कि तानपुरा के बारे में कुछ बताया जाए, तो उनके डिमांड पूरी करने के लिए मैं आज केवल तानपुरा के संबंध में चर्चा करूँगा। ठीक है, देखिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा निकल गया है, मोबाइल में भी तानपुरा ड्रॉइड अपलोड कर सकते हैं, ये सब सुविधाजनक तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन ओरिजिनल तानपुरा, मैनुअल जो ओरिजिनल तानपुरा होता है, उसकी आवाज़ की कोई तुलना नहीं हो सकती है। इसीलिए आज भी बड़े बड़े संगीत सम्मेलनों में जब उस्ताद लोग अपना गायन पेश करते हैं, तो उनके शिष्य शिष्याएँ या कोई और एकॉम्पनिस्ट दोनों तरफ दो तानपुरा, मैनुअल तानपुरा छेड़ते नजर आते हैं। खाली इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा से मन नहीं भरता है। सुविधा जरूर हुआ, इतने बड़े तानपुरा को ले आना, जाना, मिलाना, करना, वो सबसे सुविधा बिल्कुल हो गया है, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन कॉन्सर्ट में आप देखेंगे कि भले ही इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है, लेकिन उसके साथ साथ ओरिजिनल तानपुरा, दो तानपुरा कम से कम दो साइड से बजता है, या गायक कलाकार कभी कभी खुद भी एक तानपुरा लेकर बैठते हैं और दो तानपुरा साइड में रहता है, उससे पूरा वातावरण तैयार हो जाता है, संगीतमय हो जाता है, गायक गायिका कलाकार उनका मूड बनता है गाने का। तो आज तानपुरा के बारे में बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये ओरिजिनल तानपुरा, ठीक है। तो पहले मैं इस तानपुरे का कुछ अंग वर्णन बता दूं कि पूरे तानपुरा का अंग को किस, कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं। ये जो गोलाकार भाग है, ये बड़े लौकी का बनता है, जिसको तुम्बा कहते हैं, अंदर से खोखला है और इसको बोलते हैं तुम्बा। ये और ये लंबा भाग जो है, इसको बोलते हैं डांड, तुम्बा और डांड। और तुम्बा और डांड को जो जोड़ने वाला लकड़ी का पीस है, कुछ गले जैसा, गर्दन जैसा प्रतीत होता है, ये इसको बोलते हैं गुल। ठीक है, गुल का काम है डांड और तुम्बा को जोड़े रखना। अरे गोलाकार भाग तुम्बा पीछे से है, सामने से काट दिया गया, तो फिर उसको ढकने के लिए एक लकड़ी का ऐसा गोलाकार पीस, पतली लकड़ी का पीस उसके अंदर यहाँ तक है, ये इसको बोलते हैं, इस ढक्कन को बोलते हैं तबली। तानपुरा के ऊपर जो लकड़ी का ढक्कन है, उसको बोलते हैं तबली। इस तबली के बीचों बीच ब्रिज रहता है, इंग्लिश में ब्रिज बोलते हैं, हिंदी में घुड़ज भी बोलते हैं, जो एक लकड़ी की तखत जैसे, छोटी तखत जैसे पट्टी है, उसके ऊपर ये हाथी दांत का या ऊंट के हड्डी का ऐसा बना हुआ रहता है, जिसके ऊपर से तार जाते हैं। ये जो सफ़ेद हाथी दांत या हड्डी की पीस है, इसको फाइल से घिस के, रेजमाल से घिस के, कोई अनुभवी जो मिस्त्री होते हैं या कलाकार होते हैं, वो इसको जवारी करते हैं, ताकि तार का साउंड अच्छा से अच्छा निकले, जवारी अच्छा से अच्छा हो। और ये पतली पतली धागे हर तार में पिरोया जाता है, जिसको आगे पीछे करके मन चाहे झंकार और वर्धित झंकार अपने को मिलता है। ठीक है, उसको आगे पीछे खिसकाते हैं, जिसको बोलते हैं तानपुरा का जवाड़ी करना। ये तो हो गया, ये जो चार बकत जैसा है, बतक जैसा, इसको बोलते हैं मन का। ये बतक जैसा भी हो सकता है, गोल मोती जैसा भी हो सकता है, इसको बोलते हैं मन का। ये फाइन ट्यूनिंग करने के लिए होता है। चार बड़े खुटी हैं तानपुरा में, चार तार होते हैं,
तो चार तार, ये जो खूंटियां हैं इसको खूंटी बोलते हैं, चार खूंटी, चार खूंटी से तार, पीछे एक लंगोट जैसा होता है त्रिकोण आकार का, उसमें फंसाने के लिए कील होते हैं, उसमें लगाया रहता तार। तो फाइन ट्यूनिंग खूंटी से मिलाने के बाद बिल्कुल मामूली सा जो फ्रीक्वेंसी है, श्रुति का जो अंतर है, वो फाइन ट्यूनिंग के लिए ये मन का काम आता है। इधर दो सफेद पट्टियां हैं, ये जो दो सफेद पट्टी है हड्डी की है, इसमें पहले को बोलते हैं अटी, अटी यानी तार को अटकना। यहाँ पे बारीक बारीक खांच किए हुए हैं जिसमें तार इधर उधर हिलता नहीं है, तो ये अटी। और दूसरे में चार छिद्र होते हैं जिसके अंदर से तार पीले हो जाता है, खूंटी के और अग्रसर होते हैं, उसको बोलते हैं तार गहन, अटी और तार गहन। तो मोटे रूप से ये तो हो गया तानपुरे का अंग वर्णन। दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत हल्का होता है, क्योंकि अंदर से पूरा खोखला होता है, पोलो है। तो ये जो लकड़ी का है ये भी इसके ऊपर ऐसे बोला तो अंदर से पूरा ये खोखला है, इसलिए दिखने में भले ही इतना बड़ा हो लेकिन बहुत हल्का होता है। तुम्बा का बहुत कांच के बर्तन जैसे हम संभाल के यूज करते हैं, उस तरह से तुम्बा का खास ध्यान रखना चाहिए, जबर के समय इधर उधर टक्कर लगने से टूटने का डर रहता है, हालांकि रिपेयर हो जाता है। तो तानपुरा, जेंट्स तानपुरा, लेडीज तानपुरा अलग अलग होते हैं। अभी मेरे हाथ में जो तानपुरा है वो जेंट्स तानपुरा है, ठीक है। तो जेंट्स तानपुरा आकार में, लंबाई में डांड थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है, और तुम्बा भी उसका थोड़ा बड़ा होता है, तो उसका गुंडी भी और ज़्यादा होता है। जेंट्स तानपुरा पीच जो है सा कहाँ से शुरू करेंगे उसको पीच बोलते हैं, तो सी शार्प डी डी शार्प, ये जेंट्स पीच होता है, स्केल होता है। तो सी शार्प डी डी शार्प में जेंट्स तानपुरा को मिलाते हैं। साधारणतः चार तार होते हैं, कोई कोई पांच या छह तार भी यूज करते हैं लेकिन बहुत कम। आमिर खास आपको पसंद था छह तार, छह तार वाला तानपुरा, छह खूंटी होती थी, राग हिसाब से अलग, वादी संवादी के हिसाब से वो अपने चॉइस हिसाब से उसको मिला देते हैं। जैसे गापानी सा 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 या माधानी सा सा सा, इस तरह से जैसे उनको रागों के वातावरण के लिए जैसा चाहिए था वैसे उस हिसाब से तान को, छह तान को तानपुरा मिलाते थे। लेकिन 90% या 95% तानपुरा चार तार का ही होता है, जिसमें पा सा 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 ये चार स्वर होते हैं। तो पहले तार को पंचम में मिलाते हैं, मंद्र सप्तक के पंचम में, ठीक है, मंद्र सप्तक के पंचम में। फिर दोनों बीच के तार स्टील के होते हैं, ये जो मंद्र सप्तक के पंचम के तार है ये पीतल या ब्रॉन्ज के होते हैं। फिर दोनों स्टील तार है जिसको जोड़ी का तार कहते हैं, वो मध्य सप्तक के साथ है। और चौथा तार जो है वो थोड़ा मोटा है, वो भी पीतल या ब्रॉन्ज का होता है, वो मंद्र सप्तक के साथ में मिलाता है। इस तरह से मंद्रपा, मध्य सा दो तार और मंद्र सा, तो इस तरह से मंद्रपा, मध्य सा और मंद्र सा इस तरह से मिलाते हैं। तो आवाज़ सुनिए कैसा होगा। अभी मैं इसको सी शार्प में मिला है, जिसको आमतौर से लोकल भाषा में पहली काली कहते हैं, ठीक है। हारमोनियम का जो पहली काली है उसको सी शार्प है, वही सी शार्प है, तो पहली काली या सी शार्प एक ही बात है। अब आवाज़ सुनिए इसका,
छेड़ने का तरीका हुआ, ये जो मिडिल फिंगर के कोने से हल्के से तार को छेड़ा जाता है, तानपुरा को बजाया नहीं जाता है, छेड़ा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए बिल्कुल मध्यमा के कोने से और तर्जनी के कोने से, तो पहला तार मध्यमा से और बाकी तीनों तर्जनी से। इसका एक छेड़ने का एक लय भी होता है, जैसे ऐसा नहीं कि एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऐसा नहीं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, पा सा सा सा, पा सा सा सा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो एक के बाद थोड़ा सा पॉज, फिर दो तीन चार पास पास, और चौथी के बाद फिर एक बजाने में बीच में थोड़ा सा पॉज, जैसे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, पास पास चार। अब देखिए मैं खाली ओम या हरिओम मैं गाऊंगा तानपुरा के साथ तो कितना मजा आएगा, एक आध्यात्मिक वातावरण तैयार हो जाता है। तानपुरे का साउंड, तानपुरे का अंग वर्णन, तानपुरा किस किस स्वर में मिलाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से कलाकारों को भी यह नहीं मालूम होता है कि कौन कौन सा तार कौन कौन सा गेज का होता है। दुकान में जाके क्या बोले, कितना नंबर का तार दे, और कई दुकानदारों को भी यह नहीं पता रहता है कि सही साउंड कितना नंबर के तार से, कौन कौन सा तार, पा का नंबर क्या होगा, सा का नंबर क्या होगा, गेज का नंबर, हाँ ये नहीं बोलता हूँ, किसी को नहीं पता होता, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बात तो कभी नहीं कहूँगा कि किसी को भी नहीं पता, खाली मेरे को पता है, ये बात नहीं है। लेकिन अधिकतर कलाकारों को या संगीत टीचर को ये नहीं पता रहता है कि कौन सा गेज का, कितने नंबर गेज का वो तार होगा। तो उसके बारे में मैं बताऊँ कि पहला तार जो है पंचम का, ये मोटा
ब्रोंज का तार होता है या पीतल का भी हो सकता है, जो इंडियन तार होता है और वो 24 नंबर का होता है, 24। आपको दुकान में जाके बोलना है ब्रोंज का 24 नंबर का तार चाहिए, ठीक है। कॉइल होता है, आप कॉइल खरीद सकते हैं, कॉइल में से कई तार निकलेंगे और आपको उतना ज़रूरत नहीं होता है, तो एक या दो पीस आप एक तो लगा लीजिए, एक इमरजेंसी के लिए स्टॉक में रखिए। तो जितना लेंथ होगा यहाँ से लेके जो भी खूंटी तक, इस खूंटी तक, तो उससे करीब करीब 8-10 इंच लंबाई में ज़्यादा तार आप काटेंगे, क्योंकि एक तरफ उसको लगाने के लिए काम आएगा, कुछ 2-4 पैंच खूंटी में जाएगा, खूंटी मरोड़ने में। तो जितना लेंथ, एक्चुअल जितना लेंथ है उससे कम से कम 8-10 इंच लंबा तार होना चाहिए। तो पहला तार हो गया जेंट्स तानपुरा में, जो सी शार्प डी डी शार्प में मिलता है, वो हो गया 24 नंबर। फिर आता है बीच के दोनों स्टील तार, ये अगर जर्मन तार लगाते हैं इसका होगा 6 नंबर, जर्मन स्ट्रिंग 6 नंबर, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि 6 नंबर। और अगर इंडियन तार है तो 26 नंबर, 26 नंबर स्टील, ठीक है। तो जर्मन तार 6 नंबर और इंडियन तार 26 नंबर स्टील के। अब रहता है ये जो मोटे तार जोड़ी के खड़ज के, ये ब्रोंज के या पीतल के भी होते हैं, ये इंडियन तार है, लेकिन ये इसका गेज है 22, ठीक है। तो जितना ये 22 नंबर और पंचम 24 नंबर, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। बस इस जेंट्स तानपुरा के बारे में इतना ही काफी है। अब मैं आता हूँ लेडीज तानपुरा। ये है लेडीज तानपुरा। अब देख रहे हैं ये जेंट्स तानपुरा के मुकाबले में ये थोड़ा छोटा है, इसका तो मगी थोड़ा छोटा है, इसका हाइट भी कम है, है ना, इसका डांड भी जेंट्स तानपुरा के कंपेरेटिवली थोड़ा सा पतला है। तो ये है लेडीज तानपुरा। देखिए जेंट्स तानपुरा का आवाज के मुकाबले में इसकी आवाज थोड़ा पतली है, जैसे जेंट्स का आवाज मोटे होते हैं और लेडीज की पतली होती है, उसी हिसाब से दोनों का आवाज में अंतर है। इसका और लेडीज तानपुरा में आवाज पतली होती है, जैसे लेडीज वॉइस के होते हैं उसे। तो लेडीज का जो पिच होता है गाने का, वो अक्सर जी शार्प यानी काली चार, ए और ए शार्प, कोई कोई जिनके ऊपर आवाज लेडीज के अच्छे और ऊपर तक जा सकते हैं वो बी में भी गाते हैं। तो जी शार्प यानी चौथी काली, ए ए शार्प यानी पांचवी काली, और फिर उसके बाद बी। तो जी शार्प, ए ए शार्प, बी, इन 3-4 स्केलों में लेडीज तानपुरा को जरूरत के हिसाब से मिलाया जाता है। बाकी बात तो वही है जो अभी मैं जेंट्स तानपुरा के लिए बताया, अंग वर्णन वही है, सब कुछ वही, तुम्बा तबली
हाँ हटी, तार गहन, खूटी, घुड़च, दान, सब कुछ वही है। आकार में थोड़ा छोटा है, इसमें भी चार तार होते हैं, ठीक है, इसको भी पास आसा में मिलाते हैं। अब इसका खाली गेज अलग होगा, तारों के जो गेज है लेडीज तानपुरा के लिए, पहला जो है वो स्टील जर्मन तार अगर लगाते हैं तो स्टील 5 नंबर जो संतूर के तार में भी काम आता है बहुत, तो ये स्टील का 5 नंबर पंचम। और फिर बीच के जो जोड़ी के तार है जो मध्य सप्तक सामने मिलाते हैं वो जर्मन स्ट्रिंग 3 नंबर। 3 नंबर तार सितार के बाज का तार होता है, मेन स्ट्रिंग जो सितार का है वो 3 नंबर काम आता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास या आपके आसपास कोई सितार वादक है उनके पास उनके स्टॉक में 3 नंबर तार जरूर रहेगा, ठीक है। तो 3 नंबर बीच के दोनों तार जो मध्य सप्तक सा में मिलाते हैं। और ये जो खरज के तार है वो होता है 24 नंबर ब्रोंज का, ये वाला ब्रोंज का 24 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से तारों के गेज के हिसाब से जेंट्स तानपुरा लेडीज तानपुरा अलग अलग साउंड बनता है, उसके आकार के कारण गूंज कम ज़्यादा होता है। लेकिन स्वर जो मिलाते हैं कि सी शार्प डी, डी डी शार्प और जी शार्प बी तक जो स्केल है वो तारों के गेज के कारण ऐसा होता है और मोटा पतला आवाज। ये तो हो गया जेंट्स तानपुरा और लेडीज तानपुरा। अब इंस्ट्रूमेंट के साथ में भी केवल गायन में नहीं सितार संतूर सरोद को भी बजाए तो बैकग्राउंड में छोटी सी तानपुरा होता है जिसके तबली तवा जैसा थोड़ा सा ऐसा होता है, कभी तबली नहीं भी होता है केवल लकड़ी का होता है। तो मैं एक पोर्टेबल तानपुरा मैं खुद बनाया लकड़ी काट के अभी दिन, तो ये कहीं भी ले जाने आने के लिए विदेशों में कलाकार अगर ले जाते हैं तो उनके लिए भी, ये देखिए वायलिन का शेप का है, ये इसमें कोई तुम्बा नहीं है, बिल्कुल वायलिन जैसा है, छोटा सा है, मुश्किल से ये 3 फीट का भी नहीं है, 2.5 फीट के करीब है। और इसका खूंटी ये तानपुरा का खूंटी जैसा नहीं है, ये गिटार के खूंटी मैंने लगाया, स्पेनिश गिटार के खूंटियाँ, ठीक है। तो ये पोर्टेबल तानपुरा है। ये डी शार्प ई स्केल में मिलाने के लिए है, ठीक है। तो बहुत हैंडी है। इस प्रकार 3 प्रकार तानपुरा के लिए बताया, एक जेंट्स, एक लेडीज और एक छोटी तानपुरा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के हिसाब से। अब मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा के बारे में बता दूं। ये इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है, ये इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है, छोटा सा ट्रांजिस्टर जैसा है। इसमें पासा सासा, मासा सासा और नी सासा सा, ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें भी हम पहला तार जो मैं बताया पंचम में मिलाते हैं, जिस रागों में जिन रागों में पंचम नहीं है बिल्कुल वर्जित है, जैसे मालकोस में पंचम बिल्कुल नहीं है तो मध्यम में मिलाते हैं। बागेश्वरी में पंचम हल्का सा वक्र रूप से प्रयोग होता है लेकिन मध्यम प्रधान राग है, माँवादी है, तो उसमें भी बागेश्वर में भी मासा सासा मिलाता है। जिस राग में शुद्ध मध्यम और पंचम दोनों वर्जित है तो उन रागों में जैसे पुड़िया है ना, मारवा, ऐसे रागों में
मीसा सासा मिलाता है, सोनी पुरिया, सोनी मारवा, गुजर तोरी, ये सब में मीसा सासा मिलाते हैं, ठीक है। तो पहला तार को चेंज करते, बाकी तीनों तो साफ है ही। तो इसमें भी सीधे ऑप्शन दिया रहता है कि पासा सासा, फिर जरूरत पड़े तो वापस दबाएं तो मासा सासा, और नीसा सासा तो वापस दबाने पर नीसा सासा बजेगा। जैसे अभी मासा सा कर देता हूँ, इस प्रकार तानपुरा के बारे में सब बताया। और जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा भी नहीं है, आजकल स्मार्टफोन तो करीब सबके पास होते हैं, तो तानपुरा ड्रॉइड ऐप अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो उनमें तानपुरा का साउंड भी बहुत अच्छा है, उसको भी आप रियाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और स्वरों का अभ्यास जिसको रियाज कहते हैं, वो हारमोनियम से ना करें तो ही अच्छी बात है, क्योंकि हारमोनियम में श्रुतियों की कमी है, कई हारमोनियम बहुत फाइन ट्यूनिंग में नहीं होता है। उसके साथ अभ्यास करेंगे तो आपका गला और बेसुरा होने का चांस है। तो इसलिए आप सभी को जहाँ तक हो सके मैनुअल तानपुरा सबसे बेस्ट, नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा, वो भी नहीं है तो कम से कम मोबाइल में डाउनलोड ऐप जरूर कर ले तानपुरा ड्राइव, तो तानपुरा के सहारे अपना प्रैक्टिस जारी रखें। बातचीत थोड़ा लंबा हो गई तो बस आज यहीं तक, धन्यवाद।